आम चुनाव में लगातार हार रही कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी। जीत की रणनीति बनाने दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटोनी और जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उपचुनाव से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर। बीजेपी को हराकर कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव ने हासिल की बड़ी जीत। बीजेपी के सत्यजीत कदम हारे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की दांव पर लगी थी प्रतिष्ठा। विरोधियों ने दी सलाह, हिमालय पर जाओ। पाटिल का जवाब, जनता का फैसला मंजूर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जल्लोष। हनुमान जयंती पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में की पूजा अर्चना। मंदिर में बजवाया हनुमान चालीसा। मनसे चीफ राज ठाकरे के ऐलान के बाद से ही सक्रिय है मनसे कार्यकर्ता। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने 3 मई तक दिया अल्टीमेटम, वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। हिंदुत्व को लेकर शिवसेना के सामने मनसे ने खड़ी कर दी है बड़ी चुनौती। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का वादा निकला झूठा। गौठानों के सर्वेक्षण और नियमन के जीआर पर 45 दिन बाद भी कोई एक्शन नहीं। 26 जनवरी को मंत्री एकनाथ शिंदे ने नई मुंबई में गाजे बाजे के साथ घोषित किया था गौठान नियमन का जीआर, लेकिन नई मुंबई मनपा चुनाव टलते ही खटाई में पड़ी। प्रकल्प ग्रस्तों के पुनर्वसन की योजना, बीजेपी ने बताया था चुनावी स्टंट। और मानसून में एमआईडीसी की करतूत और मनमानी से डूब सकती है नई मुंबई। महापे औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए बने बड़े गटर और नालों को डेब्रिस से पाट रहे भूमाफिया। जमीन हड़पने की साजिश, सब कुछ देखकर भी एमआईडीसी अधिकारी मौन। बीजेपी विधायक गणेश नाइक पहले ही विधानसभा में उठा चुके हैं धांधली का मामला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बड़ा ऐलान। किसानों की बेटियों को देना चाहते हैं राज्यसभा से मिला वेतन। बेटियों की शिक्षा और कल्याण में योगदान देने की ख्वाहिश। हरभजन बोले, देश को बेहतर बनाने कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का देश के हालात पर बड़ा बयान। एक बटा हुआ देश कभी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। खुर्शीद बोले, मुसलमान हमेशा देश के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के माहौल में नहीं जी सकते। यूपी, कर्नाटक और एमपी में हो रही पत्थरबाजी कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने दी टिप्पणी। गुजरात के राम भक्तों के लिए पीएम मोदी ने दी हनुमान जयंती की बड़ी सौगात। मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया लोकार्पण। पीएम बोले, भक्ति और सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं हनुमान। शिमला के बाद मोरबी में बनी है दूसरी सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मंच पर गिरा बिजली का खंभा। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग हुए घायल। यूपी के आगरा में चल रहे अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हुआ हादसा। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी, हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा हमला। सिसोदिया बोले, बीजेपी उन आरोपियों को सम्मानित कर रही है जिन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर किया था तोड़फोड़। डिप्टी सीएम ने मढ़ा आरोप, बीजेपी गुंडों को पार्टी में देती है शरण और संरक्षण। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।